हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेके, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। मतलब आज मैं सिखाऊंगी आपको घड़ी के अंदर अगर आप मिरर इमेज को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और अगर वाटर इमेज जल प्रतिबिंब निकालना है तो कैसे निकालेंगे। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है आपका। अगर आप लोग नए, आज पहली बार हमसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को, प्रियल मैम रीजनिंग को, लाइक कीजिएगा और अपने बाकी साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज आपको कुछ नया सीखने वाला है। विद डायग्राम, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको सिखाऊंगी, विद शॉर्ट ट्रिक कि कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आ जाइए वापस से। तो पहले हम देख रहे हैं मिरर इमेज। अगर आपको कोई भी टाइम दे रखा है, मान लीजिए मैंने लिया 1:15 लिया, मैंने समय डायग्राम बना रखा है, मैंने 1:15 मैंने बना रखा है। ठीक है, 1:15 की इमेज बनानी है। कैसे बनाएंगे देखिए, 1:15 की इमेज बनानी है। देखो डायग्राम को तो समझ में आ चुका होगा, मिरर है तो मिरर कहाँ रखा होता है, लेफ्ट पे रखा होता है हमेशा, मिरर हमेशा बगल में रखा होगा, हमेशा इधर मिरर रखा हुआ है। तो इसकी इमेज यहाँ बनाई है, साफ साफ बन गई। इसका मुंह इधर की साइड था, मैंने इसका मुंह इधर बना दिया, ये इधर की साइड था, ये इधर बन गया, सिंपलर बन गया। ये 1:15 है, 1:15 है, ये कितना हो गया 10:45 दिख रहा होगा साफ साफ आपको। अब ये डायग्राम में कैसे आया, जब भी आपको इमेज मिरर इमेज निकालनी होती है, हमेशा याद रखिएगा 11:60 से आप माइनस कर देंगे जो टाइम आपको दिया हुआ है, माइनस कर दे कितना हो गया 10:45। इस टाइप से आप कुछ कोई भी टाइम निकाल सकते हैं, कोई भी टाइम आप निकाल सकते हैं जो भी आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोलूं आपको 2:30 का मिरर इमेज निकालो, कैसे निकालोगे, 11:60 से माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 0:03, 11:-2, 8, 8:30 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप 8:09 होगा, सॉरी 9:30 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप कोई भी मिरर इमेज का क्वेश्चन हो, कभी भी हो, कैसा भी हो, आप निकाल सकते हैं। 11:60 से आपको माइनस करना होगा। तो इस चीज को आपको लर्न कर लेना है आज से, कि जब भी आपको मिरर इमेज निकालनी है, हमेशा 11:60 से इसको माइनस कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। अगर आप डायग्राम समझना तो भी समझा सकती हूँ मैं आपको। देखिए ये ना, ये दोनों सिमिलर इमेज बना दी मैंने, 1:15 मैंने ड्रॉ किया, एक ये एक पे सुई होनी चाहिए और 15 पे मैंने सुई थोड़ा सा एक से आगे रखी है। क्यों रखी है, क्योंकि जब 1:15 हो चुका होगा तो घड़ी थोड़ा सा एक से आगे होगी। आप चेक कर लीजिएगा, जब 1:15 हो, चेक कीजिएगा, जो घड़ी है एक पे नहीं होगी छोटी सुई, वो थोड़ा सा एक से आगे होगी, थोड़ी सी आगे होगी, माइन्यूट सी। सेम ऐसे मैंने यहाँ पे बना दिया आपको। तो अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको ये डायग्राम बनेगा, 10:45 आपको बिल्कुल सही आंसर होगा। आप बोलोगे ये सुई तो 11 पे लग रही है, पर 11 पे नहीं है, ये 10 और 11 के बीच में है, ध्यान रखना 10 और 11 के बीच में। 10:45 में क्या होगा, जो सुई होगी 11 के नजदीक होगी और 10 के थोड़ा दूर होगी। ठीक, तो ये आपका एग्जैक्टली आंसर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, हम बात करेंगे वाटर इमेज की। किसकी बात करेंगे, वाटर इमेज की बात करेंगे। अब देखिए आपके सामने ये रहा वाटर इमेज का क्वेश्चन है ये। ठीक, एक घड़ी एरी आपकी, ठीक है, घड़ी एरी वाटर इमेज। अब मुझे निकालना है 1:50 का वाटर इमेज, 1:50 का मुझे वाटर इमेज निकालना है। कैसे निकालोगे, तो पहले हम कंसेप्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन को डायरेक्टली हम कैसे करेंगे। जब भी आपका वाटर इमेज का कंसेप्ट आएगा, हमेशा क्या करोगे, 7:30 में से उसको ऐड करोगे, 7:30 से 1:50 को ऐड किया, कितना है 8:80 आ गया हमारा आंसर। पर आंसर ये नहीं है, इसके बाद करना है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो आवर्स के लिए क्या है, आवर कितना होता है, या तो 12 घंटे का होगा या 24 घंटे का होगा। मिनट कितना होता है आपका, या तो 60 घंटे का, 7 मिनट का होगा या 120 का होगा, यही तो होता है। अगर घड़ी जो है हमारी 12 घंटे की है तो 60 मिनट का टोटल हो गया, अगर 24 घंटे की है तो 120 का हो गया। अब समझिएगा, अगर ये आवर्स 12 से छोटे हैं तो 12 से माइनस कर लीजिए, 12-8 4 हो गया। अगर ये 12 से बड़ा होता तो 24 से माइनस करते। सेम 80 के लिए देख लीजिए, 80 जो है 60 से ऊपर है, अगर 60 में से माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो नेगेटिव में चाहिए नहीं हमें, कीजिए पॉजिटिव में, तो हम 180 से माइनस करेंगे, 180 माइनस का 80 40 आ गया, तो 4:40 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस वाले की वाटर इमेज क्या है आपकी, ये हो जाएगी। समझे क्या करना है, जो भी हमें टाइम दे रखा हो हमें 7:30 से ऐड करना है, जो ये आएगा वो आंसर नहीं होगा। आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर जो आवर्स है वो 12 से छोटे हैं तो 12 से माइनस करके आप निकाल सकते हो, अगर वो 24 से छोटा है, मतलब 12 से बड़ा है, तो 24 से माइनस करना पड़ेगा।
सेम मिनट्स के लिए मिनट्स जो है 60 से ऊपर है तो इससे तो माइनस कर पाएंगे नहीं, छोटी वैल्यू नेगेटिव में आंसर आएगा तो हमको 120 से माइनस करना पड़ेगा। जो माइनस करके आंसर आएगा वही हमारा एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। डायग्राम भी आप समझ सकते हैं कि किस टाइप में डायग्राम बनाए। अगर आप डायग्राम का इस्तेमाल करोगे बार बार सब क्वेश्चन के अंदर तो आपको बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी है और बेफालतू की चीज भी है ये। तो डायग्राम की जगह आप ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जल्दी सॉल्व होगा। तो ये ट्रिक थी आपको किसके लिए, मिरर इमेज के लिए, और ये आपकी छोटी सी ट्रिक है आपके इसके लिए वाटर इमेज के लिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो हमारा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को प्रियल मैम रीजनिंग को, लाइक कीजिएगा और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल वापस से एक नए कंसेप्ट के साथ। तो अगर आपको लगा हो अच्छा, आपको लगा हो कि आपके एग्जाम में काम आने वाला है तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के अंदर। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।